का मुर्गा बीमार है, बगुला का मुर्गा बीमार है। जो बिल्कुल इनके पास है, उसको वीडियो बनी हुई है बकायदा। और जो जाती है मुर्गी पालन वालों के साथ हो रही है, और इसका जो बता रहे हैं जिस संग से वो मुर्गा बेच रहे हैं कम पैसों में दवाई लगाकर, जो जनहित के लिए बहुत गलत है। जो उसकी बीमारियां फैल रही हैं, एंटीबायोटिक लोग लगवा रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, वो बहुत गलत है। मैं उसके लिए इनके साथ हूँ, हर कदम पे इनके साथ हूँ। और आज डीएम साहब को इसका मेमोरेंडम दिया है, कल इसके आगे रणनीति बनाएंगे। कुछ दवाइयाँ जैसे डिक्लोफिनिक सोडियम वगैरह हैं, इन पर बैन लगा हुआ है। इनको पशु चिकित्सा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। और दूसरा जो है, जो घेने के ग्रोथ प्रमोटर हैं वो दिए जाते हैं, साथ में कुछ बीमारियां रोकने के लिए, जैसे लेबो फ्लोक्सासिन आप बता रहे हैं, ओ फ्लोक्सिन है, या एंटी कॉक्सीड्यूसिट्रेट्स हैं, जैसे कॉक्सीड्यूसिस बीमारी होती है तो उसको रोकने के लिए सुपर कॉक्स हैं, टेट्रासाइक्लिन हैं, ये सब दवाएँ दी जाती हैं। अगर बीमारी होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और बीमारी अगर हमारी कंट्रोल में रहेगी, अगर बीमारी कंट्रोल में रहेगी तो हमारा मुर्गा जो है वो अच्छा ग्रोथ ले पाएगा। कितने दिन में तैयार हो जाता है ये मुर्गा? 30 से लेकर 45 दिन के अंदर खुद तैयार हो जाता है। बीमारियों के संदर्भ में ज्ञापन दिया और ये पशुपालन विभाग को। तो क्या क्या मांग है इनकी है? इनकी मांग क्या है? बीमार मुर्गों में जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके संदर्भ में मांग है पशुपालन। अच्छा, ओके, नारे लगा रहे हो, कंपनी है, किस कंपनी की बात है? कोई कंपनी है? प्राइवेट।